दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की। पिछले लंबे समय से सरकार द्वारा बढ़ाए गए दालों के भाव के कारण जहां लोग दाल खाने के लिए भी मोहताज हो गए थे, वहीं अब लोगों की परेशानियों में और भी इजाफा करने का बीड़ा स्थानीय दुकानदारों ने उठा लिया है। दरअसल कुछ मुनाफाखोर दुकानदारों ने दालों पर अधिक मुनाफा कमाने के लिए इनमें मिलावट करनी शुरू कर दी है। ये दुकानदार दालों को और आकर्षक दिखाने के लिए उन पर चमकदार जहरीले रंगों की परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि दालों की खूबसूरती और निखर कर आती है। लेकिन ऐसी दालों का सेवन करने से लोगों की सेहत पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस संबंध में सेहत विभाग के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर तरसेम सिंह का कहना है कि उन्हें मीडिया के ही माध्यम से दालों की इस मिलावट संबंधी जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इन सभी दालों के सैंपल टेस्ट के लिए भिजवाएंगे। अगर टेस्ट रिपोर्ट में कोई कमी पाई जाती है तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। दाल मैं साफ सूफ किया, धोन लगी, जब मैं धोन लगी तो रंग वखरा ही हो गया, मतलब कि दाल ने अपना रंग छड़ता, क्योंकि उस दाल के उत्ते रंग चढ़ाया होया सी। ते देखो तुसीं अज दालों के रेट कितने जा रहे हैं, इन्नियां महंगियां दालां भी मार्केट तो लैके आनियां ते उन्हां दे उपर रंग चढ़ाए हुए आ, ते अज बीमारियां कित्थों आंदियां, इन्हां चीज़ों में बीमारियां आ रही वा, लोग इस तरह बीमार हो रहे हैं, की फायदा होया तुहाडी मार्केट विच समान वेचण दा। चीज़ों वाले पासे ध्यान देण, कि लोगों ने इहो चीज़ तो खानी है, दाल खानी जां सब्जी खानी। दालां दे तो होर वी भाव काफ़ी बढ़ चुके हैं, ये से कुछ ना कुछ कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि दाल जो पिछले साल 65 रुपये किलो से 130 रुपये किलो है, तो इस साल दाल भी जो पिछले साल 125 रुपये किलो, 180 रुपये किलो है, इसलिए लोगों को नुकसान है। जो मतलब दो किलो सौदा खड़ा, अद्धा किलो दाल गुजारा कर रहे हैं। और अजकल दालां महंगिया हो गई, ये करके भी थोड़ा जा थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि दालों च कुछ मिलावट हो रही है, तो मैं अपील करना दुकानदारों जो भी काम करते ने, खाण पीन का समान बेचते हैं, कि एडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए, लोगों की सेहत के नाल खिलवाड़ जड़ा ये बिल्कुल सहन नहीं होता। तो अगर सानू कोई ऐसा नहीं इंफॉर्मेशन कोई कंक्रीट मिल जाती है तो असं जरूर उत्थे सैंपलिंग करके ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਾਂਗੇ।